सच्चे दरबार के। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षम सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो स्तुते। माई के आरती उतार रे मंगल गीत गा रे। माई के आरती उतार रे मंगल गीत गा रे। बड़ा भाग्य माई घरवा तयली तरल अंगन मजे पुआई धैली। घिउआ के दिया जरा रे मैया जी के भोग लगा रे। माई के आरती उतारो रे मंगल गीत गाओ रे। जय 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 मा जय जय हो जग तरणी जय हो दुख हरणी। आइलू अपना बेटा के दुआर हई हम पुजरिया रखी हाँ नजरिया सुखी रहे पूरा परिवार। एहो पंडी जी शंख बजावा सब जन मैया पे फूल बरसावा। मैया के चुनरी ओढ़ाओ रे हरि हरि चूड़ी चढ़ाओ रे। माई के आरती उतारो रे मंगल गीत गाओ रे। ले सब देवता करे खाति नेवता सज गाइल सच्चा दरबार। मूर्ति आपने देख रहे हैं बहुत पुरानी है। इस मूर्ति को कोई अंजाद नहीं है कि कब से है, बहुत पुराना मूर्ति है। ये यहाँ तीन मूर्ति थी, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चकेरी माँ की है। ये बहुत पुरानी मूर्ति है और दो मूर्ति गंगा जी के बाढ़ में मंदिर गिर गया उसमें बह गई, ये मूर्ति उसमें से मिली, बहुत पुरानी है। ये बड़ी वाली मूर्ति जो है ये सन 2000 में स्थापना हुई है। सन 2000 में ये बड़ी मूर्ति स्थापना हुई यहाँ माता जी के धाम पे। ये चकेरी माई के छोटा मूर्ति बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा है। हम 5 साल से थे तब से यहाँ पूजा कर रहे हैं। इस समय मेरा उम्र 27 वर्ष हो गया, तब से माता जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, भक्त लोग से यही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि भक्त लोग आप आइए, आके माता जी के दर्शन कीजिए, अपना मन कामना पूरा कीजिए। कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है उनका मन कामना पूरा हो जाता है। श्रद्धालु हमेशा दर्शन करने के लिए हमेशा आते जाते रहते हैं। जो भी अपना मन्नत लोग मानते हैं उनका मन्नत पूरा हो जाता है। ये चकेरी माई बहुत ऐतिहासिक है, भगवान कृष्ण अपने हाथे स्थापना किए थे। यहाँ पोखरा है राजा जमंजर का, उसमें कीचड़ बध हुआ था,
उसके बाद यहाँ बहुत विकास हुआ। सारा मंदिर महाराज जी यहाँ श्री श्री 1008 त्रिवेंद्रा जी महाराज मंदिर बनवावे, सब जनता के सहयोग से बना है जी महाराज जी के माध्यम से। यहाँ रामनवमी चैत पूर्णमासी दो दिन मेला भी लगता है, सारे भक्त लोग दर्शन करते हैं। यहाँ विशेष ये बात है कि कोई भी मन्नन अपने मानता है यहाँ आकर माता जी के मंदिर पे, उनका पूरा हो जाता है। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत से ज़्यादा जी। यहाँ गंगा जी भी है पास में, गंगा जी किनारे में पोखरा भी है, उसमें लोग को मना किया जाता है कि आप लोग उसमें न नहाए, साइड में नहाए, ताकि वे जीवधारी पोखरा है वो घींचता है, जो भी स्नान करने के लिए जाता है वो अपने पास घींचता है अंदर। इसलिए उन लोग को हम लोग मना करते हैं उसको, इस साइड में इधर गंगा जी हैं, उसके साइड में नहाओ, पूजा पाठ करो, माता जी के दर्शन करो। ये जीवधारी पोखरा है, हमेशा 3 साल पर एक जीव ले लेता है, कहीं से न कहीं से घींच लेता है। इसलिए हम लोग हमेशा उन लोग को मना करते हैं कि उसमें अंदर ना कोई जाए। ये जो मूर्ति देख रहे हैं आपने, ये जो मूर्ति आपने देख रहे हैं बहुत पुरानी है। इस मूर्ति को कोई अंजाद नहीं है कि कब से है, बहुत पुराना मूर्ति है ये। यहाँ 3 मूर्ति थी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती चकेरी माँ की है। ये बहुत पुरानी मूर्ति है, और 2 मूर्ति गंगा जी के बाढ़ में मंदिर गिर गया उसमें बह गई, ये मूर्ति उसमें से मिली, बहुत पुरानी है। ये बड़ी वाली मूर्ति जो है ये सन 2000 में स्थापना हुई है, सन 2000 में ये बड़ी मूर्ति स्थापना हुई यहाँ माता जी के धाम पे। ये चकेरी माई के छोटा मूर्ति बहुत पुरानी है, बहुत ज़्यादा है। हम 5 साल से थे तब से यहाँ पूजा कर रहे हैं, इस समय मेरा उम्र 27 वर्ष हो गया, तब से माता जी की सेवा कर रहे हैं। हाँ, भक्त लोग से यही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि भक्त लोग आप आइए, आके माता जी के दर्शन कीजिए, अपना मन कामना पूरा कीजिए। कोई भी श्रद्धालु यहाँ आता है उनका मन पूरा हो जाता है। गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको